नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल सत्र 2023 में जो कक्षा 11वीं प्रवेश सूची हमें तैयार करनी है वो हम कैसे ऑनलाइन तैयार करेंगे, इसमें हमें क्या दस्तावेज लगेंगे। संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल में सत्र 2023-24 में जो प्रवेश परीक्षा यानी कि जो कक्षा 11वीं की प्रवेश सूची हमें बनानी है, वो प्रवेश सूची बनाने के लिए सबसे पहले हमें एमपी बोर्ड के एमपी ऑनलाइन वाले ये वाले पोर्टल पर आना है। ये वाले पोर्टल की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे, जहाँ से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर आप अपना कक्षा 11वीं की प्रवेश सूची तैयार कर सकते हैं। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो एग्जामिनेशन इनरोलमेंट फॉर्म जो फर्स्ट वाली लिंक दिख रही है, इस पर हमें सिंपल से क्लिक करना है। जैसे हम ये वाली लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें डैशबोर्ड दिखेगा, एग्जामिनेशन इनरोलमेंट फॉर्म। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे थे, कक्षा 10वीं परीक्षा फॉर्म, कक्षा 12वीं परीक्षा फॉर्म, कक्षा 9वीं नामांकन फॉर्म। तो दोस्तों, कक्षा 9वीं के नामांकन फॉर्म और कक्षा 10वीं परीक्षा फॉर्म की हमने आपको पिछले वीडियो में जानकारी दी थी, साथ ही इसके पिन नंबर की भी जानकारी दी थी और संबंधित शुल्क की भी जानकारी दी थी। तो हम वो सारे वीडियो की लिंक ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप अपनी कक्षा 9वीं के नामांकन करना भी सीख जाए और कक्षा 10वीं के फॉर्म भी ऑनलाइन फिल कर सके। तो उसके बाद में हमें कक्षा 11वीं की प्रवेश सूची बनानी है। तो 11th इनरोलमेंट एग्ज़ाम फॉर्म सी 2023 सीरीज 10th पास्ड 11th फेल्ड, जो कि 15 जुलाई से चालू हो गए और 30 सितंबर इसकी अंतिम दिनांक रहेगी। तो सिंपल से हमें ये वाली लिंक पर क्लिक करना है। जैसे हम ये वाली लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर आपको सिंपल से पहले ज़िले का चयन कर लेना है, जिस भी ज़िले की आपकी स्कूल है। उसके बाद में आपको ब्लॉक का चयन करना है, जिस भी ब्लॉक में आपकी स्कूल है। जैसे आप ज़िले और ब्लॉक का चयन कर लोगे, उसके बाद में स्कूल का नाम की लिस्ट यहाँ पर खुलकर सामने आएगी। साथ ही दोस्तों, इसमें यदि आपकी स्कूल का नाम शो नहीं हो रहा है ये लिस्ट में, तो उस स्थिति में आपको अपनी स्कूल की संबंधित शुल्क जमा करनी रहेगी। संबंधित शुल्क जमा करने के बाद में ही आपको अपनी स्कूल का नाम यहाँ पर शो होगा। तो हम संबंधित शुल्क कैसे जमा करेंगे वो वाले वीडियो की लिंक भी ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप अपनी संबंधित शुल्क जमा कर आप अपने स्कूल के आवेदन फॉर्म फिल कर सके। उसके बाद में आपको जिस भी स्कूल का फॉर्म फिल करना है, 11वीं की प्रवेश सूची बनानी है, वो स्कूल का चयन कर ले। उसके बाद में बच्चा रेगुलर 10th पास है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और यदि अदर बोर्ड सी सीरीज का है तो रेगुलर अदर बोर्ड वाले को सिलेक्ट करना है, और रेगुलर 10th पास 2022 में की है और उसकी कहीं गैप हो गई थी, आपने गैप सर्टिफिकेट लगाकर आप रेगुलर 10th पास 2022 सी सीरीज 2022 वाली सीरीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जो भी करना है उसको आपको सिलेक्ट कर ले। जैसे भी आप सिलेक्ट करोगे, उसके बाद में स्कूल पिन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको आपकी स्कूल का पिन नंबर देना है, उसके बाद में कैप्चा कोड देना है, और सिंपल से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर आपको स्कूल की डिटेल्स होगी। सबसे पहले स्कूल का नाम, ज़िले का नाम, ब्लॉक का नाम, उसके बाद में प्रिंसिपल का नाम, प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर। सुरक्षा के लिए हमने सारी जानकारी हाइड कर दी। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने जो भी छात्र आपकी स्कूल में अध्ययनरत है उसका नामांकन नंबर देना है, और सिंपल से सबमिट पर क्लिक करना है। यदि नामांकन नंबर नहीं है, 2023 में स्टूडेंट 10वीं पास है, तो उस स्थिति 2022 में यदि स्टूडेंट पास है तो उस स्थिति में आपको थर्ड वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको नामांकन नंबर देना है, जो भी नामांकन है आपके बच्चों के। नामांकन नंबर देकर आप जैसे सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपको बच्चों की जानकारी शो होगी। तो दोस्तों, जैसे आप नामांकन नंबर देकर सबमिट पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको बेसिक डिटेल में स्टूडेंट फुल नेम ऑफ फादर्स, फुल नेम ऑफ मदर्स, डेट ऑफ बर्थ, और इधर छात्र छात्रा की फ़ोटो जो भी आपने कक्षा 9वीं के नामांकन फॉर्म फिल करते समय दी थी, वो फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर शो होगी। उसके बाद में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिखेगी। उसके बाद में यहाँ पर यदि विकलांग है तो जो भी जिस तरीके से विकलांग उसका चयन कर ले, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करें। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर आपको कैटेगरी का चयन करना है, मीडियम का चयन करना है, जेंडर का चयन करना है, एमपी डोमिसाइल यस को सिलेक्ट रखना है, और सेक्शन में आप जिस भी सेक्शन में अध्ययनरत है ABCD उस सेक्शन का चयन कर ले। साथ ही दोस्तों, आवेदन फॉर्म फिल करने से पहले आपको जो भी छात्र छात्रा की समग्र ID है, केवल MP के मूल निवासी उम्मीदवार ही अपना समग्र डेटा खोज सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समग्र ID भी देनी जरूरी है। जैसे आप समग्र ID देकर सर्च पर क्लिक करोगे तभी आपका फॉर्म फिल होगा, अन्यथा बिना समग्र ID से आप ये फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे।
तो जो भी छात्र की समग्र आईडी पहले सर्च कर ले, उसके बाद में फॉर्म में जो भी जानकारी जैसे कैटेगरी, मीडियम, जेंडर, उसके बाद में सेक्शन, इनका आपको चयन करना है। तो हम सबसे पहले समग्र आईडी देकर सर्च कर लेते हैं। तो जैसे ही आप समग्र आईडी देकर सर्च पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी समग्र डिटेल शो हो जाएगी। उसके बाद में जो भी आपकी स्कूल की डिटेल थी वो शो होगी। उसके बाद में आपको कैटेगरी का चयन कर लेना है। तो आपके पास जो भी डेमो फॉर्म है वो डेमो फॉर्म को आप चेक कर लो। उसके बाद मीडियम का चयन करना है, उसके बाद में जेंडर का चयन करना है, उसके बाद में सेक्शन का चयन कर लेना है। उसके बाद में स्क्रॉल करके हमें नीचे आना है। उसके बाद में दोस्तों कक्षा 11वीं में बच्चा कौन से सब्जेक्ट ग्रुप में पढ़ रहा है वो सब्जेक्ट ग्रुप का आपको चयन कर लेना। होम साइंस है, साइंस मैथ्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, आर्ट, होम साइंस, साइंस बायोलॉजी, तो जो भी है वो आप चयन कर ले। उसके बाद में यहाँ पर आपके जो भी फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज खुलकर ऑटोमेटिक ले लेगी। जैसे आप मीडियम का चयन करोगे तो फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज ऑटोमेटिक ले लेगा। यदि आपको सेकंड लैंग्वेज का चयन करना है, इसमें आपको ब्यूटी वेलनेस, उसके बाद में संस्कृत, मराठी, उर्दू, जो भी आप स्कूल में संचालित है इंग्लिश के अतिरिक्त, वो आप यहाँ पर चयन कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको एडिशनल सब्जेक्ट यदि इंग्लिश लेना है तो एडिशनल सब्जेक्ट भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। उसके बाद में आपका जो भी सब्जेक्ट ग्रुप के अनुसार आपका ग्रुप सब्जेक्ट है वो आपको लेना अनिवार्य है। उसके बाद में यदि आप एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं, यानी कि लैंग्वेज सेकंड में यदि आप ब्यूटी वेलनेस लेते हैं और एडिशनल सब्जेक्ट में यदि आप इंग्लिश लेते हैं तो वो आप ले सकते हैं। उसके बाद में जो भी एड्रेस है वो पूरा एड्रेस यहाँ पर छात्र छात्रा का एड्रेस फिल करना है। उसके बाद में घोषणा पत्र पर हमें क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल कर ले। कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करने के बाद में घोषणा पत्र पर आप जैसे क्लिक करोगे, उसके बाद में यहाँ पर सेव का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपल से आपको सेव पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करोगे, उससे पहले दोस्तों आप जो भी जानकारी फिल करोगे वो जानकारी आप अच्छे से रिमार्क कर ले, अच्छे से वेरीफाई कर ले। अच्छे से मिलान करने के बाद ही आपको सेव पर क्लिक करना है। तो जैसे आप जानकारी मिलान कर लोगे, उसके बाद में जैसे सेव पर क्लिक करोगे, उसके बाद में कुछ इस तरीके से आपको एक मैसेज होगा, एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद में यहाँ पर एक आपको एक एप्लीकेशन नंबर रहेगा। ये एप्लीकेशन नंबर आप किसी कागज़ पर नोट कर ले, या जो आपके पास डेमो फॉर्म है वो डेमो फॉर्म पर ये एप्लीकेशन नंबर नोट कर ले, ताकि जब इसका पेमेंट भुगतान होगा उस समय ये एप्लीकेशन नंबर की आवश्यकता आपको रहेगी। उसके बाद में एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम और यहाँ पर जो प्रवेश सूची का चार्ज है वो चार्ज यदि यहाँ पर शो होगा। यदि आप एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं तो उसका चार्ज आपका बढ़ जाएगा, इसलिए यदि आप एडिशनल सब्जेक्ट नहीं लेते तो जो शुल्क है एमपी ऑनलाइन पोर्टल शुल्क वो यहाँ पर शो होगी। तो ये एप्लीकेशन नोट कर ले, उसके बाद में यहाँ पर क्लोज कर दे। और इसी तरीके से आपको अपने स्कूल में जितने भी छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं उन छात्र छात्राओं के फॉर्म फिल करना है। तो दोस्तों इस तरीके से सत्र 2023-24 में कक्षा 11वीं की जो प्रवेश सूची है वो प्रवेश सूची हमें इस तरीके से ऑनलाइन फिल करनी है। और प्रवेश सूची बनाने के बाद में सारे एप्लीकेशन नंबर आप नोट कर ले। नोट करने के बाद में इसका पेमेंट जो है बल्क में भुगतान होगा, जो हम आपको अगले वीडियो में जानकारी देंगे। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। हम किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।